नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। और इस वीडियो का मकसद है सिर्फ चार्ट एनालिसिस करना। ये एजुकेशनल पर्पस वीडियो है जहाँ पे मैं तीन से चार स्टॉक्स आपके सामने ले आता हूँ मेरे खुद के वॉच लिस्ट से। वहाँ पे क्या चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं, किस टाइम फ्रेम पे बन रहे हैं, क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं, और किस लेवल के ऊपर हम लोग उस स्टॉक्स को, पर्टिकुलर स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं, या किस लेवल के नीचे हम उस पर्टिकुलर स्टॉक्स को सेल कर सकते हैं, हर चीज मैं आपसे इस वीडियो पे शेयर करता हूँ। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। मैंने एक नया टेलीग्राम चैनल भी ओपन किया है, लिंक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको यहाँ से ढूंढने में मुश्किल होते हैं तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाके आपको यहाँ से लिंक मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल के, जाके वहां से आप ज्वाइन कर लो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री में नॉलेज मैं जितना भी मुझे आता है, जितना भी मैं सीखा हूँ वो आपसे शेयर करता हूँ। आप जाके देखिए, वहां से आपको भी फायदा मिलेंगे और मेरा भी प्रैक्टिस बढ़ेगा। ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते जाइए। और नए चैनल भी एक यूट्यूब चैनल में मैंने ओपन किया है, उसका लिंक यहाँ पे है, जाके उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि इंट्राडे के ऊपर, स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, प्राइस एक्शन जितने भी थ्योरीज थोड़ी चर्चा करूंगा, इंट्राडे के ऊपर स्ट्रेटजीज बताऊंगा, और कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के भी ऑलरेडी चल रहे हैं और भी आगे लेके आऊंगा। हर चीज जो नए कंटेंट्स मैं डालूंगा वो नए चैनल पे डालूंगा, जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको भी फायदा मिलेंगे और मुझे भी मोटिवेशन मिलेंगे, और डेफिनेटली जाके सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चार स्टॉक्स के नाम बताऊंगा। सबसे पहले टाटा एलेक्सी है। टाटा एलेक्सी कल ही मैंने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दिया था एज ए बियरिश स्टॉक्स, आज उसने नीचे ट्रिगर नहीं किया है। जाके टेलीग्राम चैनल में वो पोस्ट है कल का, देख लीजिएगा। फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्योंकि अभी भी ये स्टॉक अपने डबल टॉप बना के अभी भी नीचे चल रहे हैं। यहाँ पे लोअर हाई मेंटेन हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न है और मैं थोड़ी सी बियरिश बन के चल रहा हूँ। हमें देखना है कि 849 के नीचे सस्टेन करते हैं या नहीं। हमें अगर सेल करना है तो 849 या 848 के नीचे अगर सस्टेन करके चलेंगे तभी हमें इसे सेल करना है। और सेल जब करेंगे तो सबसे पहला जो सपोर्ट सामने आएगा वो लगभग 832 के आसपास है, मगर हमें उससे पहले भी एक सपोर्ट, थोड़ी सी एक माइनर सपोर्ट मैं डाल देता हूं यहाँ पे। ये वाला जो 840 के आसपास होगा ये आपका पहला टारगेट होगा, मतलब पहला माइनस सपोर्ट होगा। 840 आपका पहला टारगेट होगा, दूसरे टारगेट 833 या 832 के आसपास होगा, और लास्ट ऑफ ऑल 820 के आसपास है, वो बहुत दूर है। फिलहाल आप 840 और 833 के आसपास दो टारगेट मान के चलिए, अगर टाटा एलेक्सी 848 के नीचे सस्टेन कर जाए तो। सो बियरिश हूं क्योंकि डेली में, मैंने टेलीग्राम चैनल में भी दिखाया था कि डेली में दो बार शूटिंग स्टार बने हैं, और यहाँ पे भी 30 मिनट्स में आपको जैसे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे डबल टॉप ऑलरेडी बन गए हैं। और सुबह आज जाने की कोशिश तो किया था टाटा एलेक्सी, इतने अच्छे मार्केट में भी वो चल नहीं पाया, फिर से नीचे आके बंद किए हैं, तो कहीं ना कहीं वीक है। अगर ये नीचे आएगा तो बेहतर होगा, तो इसीलिए मैंने शेयर कर दिया आपसे। चलिए सेकेंड स्टॉक्स देखते हैं, डाबर। थोड़ी सी लो वॉलेटाइल स्टॉक्स है, ये मेरे एफएमसीजी से है। अगर आप फॉलो करो 30 मिनट्स को, एक रेंज में है, यहां से लेके यहां तक एक रेंज पे चल रहे हैं। अभी जो हुआ है कि नीचे का सपोर्ट लेके ऊपर थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेके फिर एक जगह पे साइडवाइज बेसिस में एक रेक्टेंगल पैटर्न बना के बैठा हुआ है। थोड़ी सी बुलिश हूं डाबर पे, और डाबर को बाई तभी हम कर सकते हैं या बुलिश हो सकते हैं जब ये 463 के ऊपर सस्टेन करेगा। जब ये 463 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेगा और रह जाएगा 463 के ऊपर, तब मेरा पहला जो रेजिस्टेंस है, मतलब पहला जो टारगेट है, वो 468 के आसपास होगा, और दूसरे जो रेजिस्टेंस है वो 470 से 471 के आसपास होगा। एक चीज ध्यान रखिए, डाबर ज्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं इंट्राडे में, वो स्लैक काउंटर है, धीरे धीरे मोमेंटम बढ़ाते हैं, जिस तरफ भी जाते हैं वहां पे बहुत स्लो होते हैं, इसमें टाइम लगते हैं। ऐसा ही नहीं कि फटाक से 5-6% ऊपर चले जाएंगे या नीचे चले जाएंगे, ये थोड़ी सी रिप्यूटेड स्टॉक्स है, धीरे धीरे मोमेंटम रहते हैं,
नीचे हो चाहे ऊपर हो, मैं फिलहाल इसमें बुलिश हूँ। 463 के ऊपर डाबर को सस्टेन करने दीजिए। और टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको नॉलेज बढ़ेगा, मेरा भी प्रैक्टिस बढ़ेगा। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल और इस यूट्यूब चैनल का भी सब्सक्रिप्शन कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई पैसे लगते नहीं है, तो जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए थर्ड स्टॉक्स बात करते हैं, आरबीएल बैंक। और आरबीएल बैंक में थोड़ी सी आने दीजिए, मैं थोड़ी सी बियरिश हूँ। जैसे आपको दिखाई देगा कि इसका जो प्रीवियस 30 मिनट्स का जो बायस है वो थोड़ी सी डाउन ट्रेंड बायस है। यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आया था, ये इसका लास्ट बॉटम है। फिर से यहाँ पे नीचे थोड़ी सी इम्पल्सिव मूवमेंट आने के बाद यहाँ पे एक छोटी सी फ्लैग पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, एक डाउन ट्रेंड फ्लैग पैटर्न है। सो इससे अगर नीचे फिर से चलेंगे तो भी मैं बेच नहीं सकता हूँ। हमें बेयरिश तभी बनना है जब ये स्टॉक 332 के नीचे सस्टेन करेगा। फिलहाल तो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 340.65 है। देखिए लगभग 332 के आसपास आके फिर से बाउंस कर सकते हैं, मगर फिलहाल अगर 332 के नीचे सस्टेन करेगा तभी हम लोग बेयरिश बनेंगे। और अगर कोई गलती होता है, अगर कोई चेंजेस आते हैं आरबीएल बैंक में या कोई भी स्टॉक्स, अभी तक आपने जो जो स्टॉक्स सुने, अगर कोई भी मार्केट में बदलाव आते हैं तो टेलीग्राम में मैं नोटिफाई कर दूंगा, जाके टेलीग्राम चैनल को डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए। और पहला जो सपोर्ट होगा वो 324 के आसपास होगा, दूसरे सपोर्ट 319 के आसपास होगा। 332 के नीचे सस्टेन करना होगा आरबीएल बैंक को, क्योंकि ये थोड़े से हाई वॉलेटाइल स्टॉक्स है, तो इसमें मूवमेंट 5-6% आना कोई बड़ी बात नहीं होते हैं इंट्राडे के लिए, तो ट्रैक जरूर करना कल के मार्केट के लिए। जो भी चेंजेस होगा, अगर कोई स्टॉप लॉस चेंजेस होगा, सब कुछ मैं नोटिफाइड कर दूंगा। अगर ट्रिगर होता है तो डेफिनेटली नोटिफाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। एनसीसी लास्ट स्टॉक्स है, थोड़ी सी बुलिश हूं इसमें। और यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है पीछे का अगर व्यू देखूं तो एक डाउन ट्रेंड बायस है, मगर यहां से वो अच्छे एक इम्पल्सिव मूवमेंट, मतलब एक रिट्रेसमेंट लाने के बाद एक साइडवेज बेसिस में है, ऑलमोस्ट एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न है। और इसको बाय तभी हम कर सकते हैं जब ये 54.20 या 54.25 के ऊपर सस्टेन करेगा। 54.25 के ऊपर सस्टेन करने दीजिए तो पहला टारगेट लगभग 55 के आसपास ही होगा और दूसरा टारगेट 56 के आसपास होगा। तो थोड़ी सी बुलिश हूँ, एनसीसी बहुत हाई वॉलेटाइल स्टॉक्स है। एक चीज याद रखिएगा कि 100 रुपए के नीचे जितने भी स्टॉक्स होते हैं उसमें थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज्यादा होते हैं जनरल इन सेंस। 100 रुपए के ऊपर, 100 रुपए के नीचे अगर स्टॉक्स होते हैं तो थोड़ी सी ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखाई देते हैं, और एनसीसी में तो थोड़ी सी ज्यादा ही भर के हैं वॉलेटिलिटी। सो 54.25 के ऊपर सस्टेन करने दीजिए, और 55 और 56 दो टारगेट्स होंगे अगले दिन के लिए। सो चार स्टॉक्स बताएं, एनसीसी में बुलिश हूँ, आरबीएल बैंक में थोड़ी सी बियरिश हूँ, डाबर में बुलिश हूँ और टाटा एलेक्सी में भी बियरिश हूँ। तो चार स्टॉक्स को जाके आप वॉचलिस्ट में रख दीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इंट्राडे स्ट्रेटजीज और टेक्निकल सॉल्व, तो जैसे हमने लिंक पे बताया उस नए चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर डेफिनेटली कर दीजिए। थैंक यू।